على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداري هذه هيا. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ तनवीर काका खेल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ददियाली गांव में, यानी अपने वालिद साहब के गांव में, उस गांव में जहां पर मेरे वालिद साहब का बचपन गुजरा, उस गांव में जिसमें मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई और उस गांव में जिसमें मेरे दादा दादी जान की कब्रें मौजूद हैं। तो मैंने सोचा चले आपको भी आज ये जो है दिखाऊं गांव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर बिजली की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। पहले दौर में जिस वक्त मेरे वालिद साहब जो है यहाँ पर रहा करते थे, उस वक्त में तो बिजली नहीं हुआ करती थी, बाद में आई। और यहाँ पानी का ये सिस्टम होता है, ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, अभी तो ये प्लास्टिक वाले पाइप चल गए हैं, लेकिन तो पहले ये होता था प्लास्टिक वाले पाइप जगह जगह पर लग गए, वरना पहले सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो दूसरे पाइप हुआ करते थे लोहे वाले, ये जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ये लोहे वाले पाइप। और ये यहाँ पर दरख्त भी लगे हुए हैं काफ़ी। इस वक्त गाँव से हम बाहर हैं और कब्रिस्तान के करीब हैं हम। ऊपर वो सामने जगह पर ये देखें, एक तो आपको ये कब्रिस्तान सामने नज़र आ रहा है, ये इस जगह पर एक ये कब्रिस्तान है, एक वहाँ पर है वो ऊपर कब्रिस्तान। तो हमने ऊपर वाले कब्रिस्तान में जाना है, अपने दादा जान दादी जान और अपने बड़े भाई, मेरा सबसे बड़े भाई जो थे भाई सईद मरहूम, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, 1997 में उनकी वफ़ात हुई थी और वो जो है ना रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए थे, तो उनकी भी कब्र यहाँ पर मौजूद है, वहाँ भी हम जाएँगे। ये गाँव नज़र आ रहा है आपको, ये गाँव है मेरे वालिद साहब का गाँव। और यहाँ पर जगह है जहाँ पर मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुकून होता है। सुकून का मतलब ये है कि इतना शोर वगैरह नहीं होता। अब तो यहाँ पर रक्षे वगैरह और ये चीज़ आती है, अब ये भी मुझे किसी रक्षे की आवाज़ आ रही है, वो देखे ना, वो शायद वो रक्षे को स्टार्ट कर रहा है या कोई मसला है उसमें जिसकी वजह से शोर आ रहा है, वरना यहाँ पर पुरसकून ज़िंदगी है। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर या फिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफना व नहनु बिलासर। ये छोटा कब्रिस्तान यहाँ का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना छोटी छोटी जगहों पर कब्रें बनाई होती हैं, मतलब किसी की अपनी ज़मीन है यहाँ पर, तो वो अपने ज़मीन में ही अपने रिश्तेदारों की, वालिद साहब की और भाइयों की, बहनों की, अहलिया की कब्रें वगैरह ना वो अपनी ज़मीनों में बना लेते हैं, तो उसका कोई भी कोई मसला नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो कब्रिस्तान में बनाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि वो शहरों वाला हिसाब नहीं होता। शहरों में ऐसा होता है कि वहाँ पर वो कब्रें जो है ना उसी जगह पर नहीं रह सकती, वो आहिस्ता आहिस्ता जगह जो है ना वो ख़त्म होती जाती हैं, जगह कम पड़ती जाती है, तो लोग क्या करते हैं फिर पुरानी कब्रों को खोलकर वहाँ पर दूसरी कब्रें बना लेते हैं, और जो है ना या एक कब्र के बिल्कुल साथ दूसरी कब्र बन जाती है। यहाँ वो सूरत हाल नहीं होती। हम लोग चूँकि यहाँ के आदि नहीं हैं, हम लोग पहाड़ों पर इतना अर्सा नहीं सफ़र का, यानी इतना नहीं फिरते, इस वजह से हमें जो है ना वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी तो खैर तबीयत भी ख़राब है, इस वजह से सांस मुझे जो है ना सांस फूल रहा है मेरा। और जैसे कहते हैं ना पहाड़ पर चढ़ते हुए, वीडियो में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आप कह रहे होंगे कि यार आप कैसे पठान हैं या पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, तो असल में तबीयत ख़राब है और बहुत कम हम जो है ना भी चलते फिरते हैं पहाड़ी इलाके में, इस वजह से ऐसी सूरत हाल है। ये देखें, ये यहाँ का दरख्त ही है,
पौधा तो नहीं है, दरख्त है, इसके साथ ये कोई छोटा सा फल लगा हुआ है। पता नहीं ये कौन सा दरख्त है और कौन सा पौधा है, यानी कौन सा फल है, इसका मुझे नहीं पता। आप में से अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पौधा है और कौन सा दरख्त है, फल का नाम क्या है। और ये भी कोई चीज़ है, इसकी भी, इसका भी मुझे नहीं इल्म। जिस चीज़ का नहीं पता तो साफ बताना चाहिए, भी मुझे नहीं पता क्योंकि हम इतना अरसा नहीं रहे यहाँ पर। अच्छा, ये जो सामने है इसे चीड़ का दरख्त कहा जाता है, इसको पश्तों में नख्तर कहते हैं। ये भी है, हाँ, यहीं के कुछ छोटे पौधे वगैरह, ये देखें खूबसूरत मनाजिर हैं जी। और वो सामने जो है ना, नीचे आपको गांव नज़र आ रहा है। अभी कब्रिस्तान के करीब जा रहे हैं, भाई और कज़न मेरे साथ आए तो वो तो जा चुके हैं कब्रिस्तान, और मैं भी पहुंचने वाला हूं अभी कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सरफुना व नहनु बिल असर। जब भी कब्रिस्तान जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। वो सामने आपको गांव और दूसरे गांव नज़र आ रहे हैं, दूर दूर से, दूर दूर तक गांव ही गांव हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं जी इस कब्रिस्तान में, यहाँ पर हमारे दादा जान की कब्र मौजूद है और भाई की कब्र मौजूद है। ये है जी मेरे दादा जान की कब्र। कौम काका खेल हसन जी, ये अहमद खान वल नवाब खान, इसको कब्र को भी इंशाल्लाह हमने दोबारा वो करवाना है, क्या कहते हैं इसका, इसकी जो तख्ती है इसको दोबारा हमने ठीक करवाना है इंशाल्लाह। ओए उतना ना लाड़ेगा ये तो, ओए मिट्टी फिर काबू रहंदी का इसकी, ये जेड़ा उतना लाड़ छोड़ी बस चाहिए थोड़ा। हां चाचा मड़ेगा ना उस तालीम चालक के, हां हां चाचा ना ताया मुसलमान। सलमान दाना सफा का दादा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर काका खैर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने आबाई गांव में। और ये कब्र जो है ये मेरे दादा जान की कब्र है, इस कब्रिस्तान में ही मेरे भाई की कब्र है, मेरी दादी जान की कब्र है।
तो मैं यहाँ पर आपको एक मुख्तसर सा पैगाम देने चाह रहा हूँ। पैगाम ये है कि देखें, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है ना वो दीन की तालीम दिलवाएं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है और मुझे ये बात करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे वालदैन ने हमें अच्छी तालीम दिलवाई है, जिसकी वजह से हम किसी काम की वजह से आए थे और इस गाँव में नहीं आए थे, हम किसी और जगह पर आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने ये तौफीक अता फरमाई, हम वहाँ से आए और यहाँ पर आकर सिर्फ़ और सिर्फ इस काम के लिए कि हम आए, दादा जान की कब्र पर हम जाएँ, भाई की कब्र पर जाएँ, दादी की कब्र पर जाएँ और हम जाकर जो है ना उनके लिए दुआ मगफरत तो अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ पर भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम हाज़िर हों। तो आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं। यकीन कीजिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मुझे खुद लोगों ने बताया कि हमें पता नहीं है कि हमारे दादा जान की कब्र किधर है, वो हमें ये पता नहीं है कि वालिद साहब की कब्र कब्रिस्तान में थी अब कहाँ पर है, क्योंकि वो जाते ही नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाएं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा, ठीक है। तो इसलिए खुदा के लिए आपसे यही गुजारिश है कि भाई आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं, ताकि आपके लिए वो बाद में दुआएं मगफरत कर सके। नाने की कब्र पे कहीं दादा पता इश्ते अब्दुल्ला दादा पता इश्ते, ये हैं जी मेरे भाई छोटे हाफिज़ सुलेमान साहब और अब्दुल कदीर खान और आदिल खान, इधर देखो यार, ये मेरे खालाजाद भाई आदिल खान और ये मामूजाद भाई अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, हाँ अब्दुल्ला भाई, अब्दुल कदीर भाई आप भी देखो इधर। तो अभी हम ये हमारा जो वालिद साहब का गांव है, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। तो आपको हमने दिखाया गांव भी कुछ थोड़ा सा दिखाया और यहाँ का कब्रिस्तान भी दिखाया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, यानी लाहौर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने बड़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए और उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी मशवरा देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। की आगे की बैठा, चलो।